गुड दोस्तों मैं लालचंद सोनी आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है आकाश पाताल धरती आय मंडल पानी सब कुछ शुद्ध हो और स्वच्छता के मापदंड दिखाई दे है भगवान लगातार मानव को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए उनके हेल्थ और हेल्थी होने के लिए कामना करती है आज सुबह टाइम्स और लगातार आयुमंडल पानी धरती सब कुछ आज प्रदूषण के चपेट में है और इसे देखते हुए मानों को कितना खतरा है इसे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं यदि आप प्रदूषण से बचना है तो सबसे पहले आप जो है सुबह सुबह उठो और पार्कों में जाओ सड़कों पर हवा खाइए और यदि आप ये सबसे छुटकारा पा लिए हैं तो आप एक दो पेड़े यानी पेड़ पौधे आप लगाइए इससे आने वाली जो हमारे बच्चे हैं वो कम से कम शुद्ध हवा खाएंगे और आप शुद्ध हवा खाने के लिए पेड़ पौधे और पार्कों में जाइए जहाँ पर सुंदर सी क्यारी हो फूल बगान हो और पार्कों से स्वच्छता की एक अलग मिसाल जागता हो तो आप जो है लगातार मॉर्निंग में या आप जो है इवनिंग में जाकर आप लगातार जो है हवा खा सकते हैं इसलिए इसलिए आज जो है हवा खाने से आपका कई तरह की बीमारियां दूर होती है जैसे आस्थमा और बहुत सारी जो है बीमारियां हैं बुखार वगैरह शुद्ध हवा रहेगा आपका रक्तचाप अच्छा रहेगा आपका कई असल मसलन आपका अच्छा रहेगा शरीर का बॉडी आपका फिट रहेगा आप यदि सुबह सुबह टहलने जाते हैं तो मैं लगातार आपको जो है जागरूक करता रहा हूँ आप जाग हैं और जो है कोई कोई व्यक्ति अब जो है आज सुबह टाइम्स के तो देख कर जब उन्हें पता लगा कि जो है लोगों को पार्क में जाने से शुद्ध हवा खाने से सुबह सुबह कई बीमारियों से दूर होता है तो इसका लागू भी कर रहे हैं जो आप देख सकते हैं यही तो है जागरूकता जो एक दूसरे लोग बताएं और सच्चाई के रास्ते पर चलें तो जो है लोगों को मानना चाहिए और सुबह सुबह जो है ज़रूर जागना चाहिए और उठना चाहिए पार्कों में जाना चाहिए मैं आपको लगातार जिस तरह से आप दिखा रहा हूँ आप देखिए जीवन एक अनमोल है ये जीवन में इस धरती इस आकाश में आपका रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप रहना ही ज़रूरी नहीं आप स्वस्थ हो सुंदर हो अपने परिवार का स्वच्छ सुंदर बनाइए और देश को भी स्वच्छ और सुंदर बनाने का कंधे कंधा है आपको कंधों से कंधा मिलाकर ज़िम्मेदारी बनती है तो मानव को रहना इस धरती पर बहुत ही जरूरी है बहुत ही इम्पोर्टेंट है यदि मानव जीवन में रोग उत्पन्न हुई है तो इसके लिए आप जो है सावधान रहें और सावधानी सबसे बड़ी हमारी दवा है और सभी लोग हाथ जोड़ से विनती है कि आप खाना जो खा रहे हैं वह शुद्ध जो है अपने घर का बना हुआ खाना ही खाएं होटल का खाना बहुत कम पसंद करें बिल्कुल भी ना पसंद करें और पर्यावरण के प्रति आप जितना अधिक जागरूक रहेंगे उतना ही हमारा देश आगे बढ़ेगा और आपसे ये भी विनती है कि जिस तरह से जो है दो अक्टूबर जो है हम एक सौ पचासों वर्षगांठ मना रहे हैं महात्मा गांधी जी का तो उसमें जो है प्रदूषण को लेकर प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने जो है ये बंद करवा दिए थे ये बहुत अच्छी बात हुई लेकिन अब कहीं कहीं ऐसे पॉलीथीन चल रहे हैं जो ए, अभी तक रोडों पर साफ़ नहीं हुआ है और इसे लेकर आप गंभीरता से विचार करें पॉलीथीन वगैरह बंद करें और बिल्कुल ना यूज करें और पेड़ पौधे अधी लगाएं पर्यावरण शुद्ध करें हमारे और आपके फ़ायदे के लिए ही यह सब कुछ सरकार कर रही है तो हम क्यों ना सरकार का एक ज़िम्मेदारी लें एक जो है अनुभव संकल्प करें कि हम पॉलीथीन नहीं यूज करेंगे और शुद्ध वातावरण के लिए हम लगातार प्रयास करेंगे एक कदम स्वच्छता की तरफ जिस तरह से लगातार बढ़ रहा है और लोग इसका लागू भी कर रहे हैं कितना अच्छा लगा प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के हर कदम पर सख्ती दिखाई दिया तो इसी पर्यावरण को स्वच्छ सुंदर बनाना है और देश को आगे ले जाना है तो आपकी मदद बहुत जरूरी है अभी भारत के लोग संकल्प लीजिए आज कि हम दिन प्रतिदिन पर्यावरण को लेकर हम चिंतित रहेंगे और लगातार पेड़ पौधे लगाएंगे हरित क्रांति लाएंगे हरियाली की जीवन की बात हमेशा करेंगे क्योंकि यह नव युवा और बुजुर्ग और महिलाएं बच्चे आज जिस तरह से बच्चे देखा जा रहा है कि पेड़ पौधे लगाने में बहुत ही आगे होते हैं और कई जगह ऐसे जो है देखा भी गया है तो इसे लेकर आप खुद सीख सकते हैं और प्रदूषण हमारे आप के लिए मानव जीव जंतु के लिए सबसे खतरा उत्पन्न करती है मंडल से होने वाले हर एक बात इंसान को रोगी बनाकर जिस तरह से देखा है वह यदि आप स्वस्थ और जीवन लगातार आप हमारे चैनल देखते रहिए हम फिर आपसे मिलेंगे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट करें और लोगों को शेयर करें जय हिंद मुद्दे के साथ फिर मिलेंगे तब तक के लिए अपना ध्यान परिवार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पेड़ अधिक लगाओ इन्वायरमेंट जो है साफ करो जय हिंद नमस्कार दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए धन्यवाद